So hey guys, it's me PokeVex back with another Pokemon video. तो यार basically आज का video बहुत interesting होने वाला है और मैं एक video बना चुका हूँ तो इसको मतलब continue करने वाला हूँ एक series के type में तो तुम लोग भी enjoy करोगे. So video का topic है top 5 Pokemon जो Ash को Johto region में पकड़ने चाहिए थे. जी हाँ guys. So मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया कैंटो वाला, तो अगर उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वरना आई कार्ड में फ्लैश हो जाएगा, तो वहाँ से जाके चेक कर लेना उस वीडियो को और बाद में इस वीडियो को ज़रूर देखना. तो चलो आज का वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही अमेजिंग होगा, तुम लोग को भी पसंद आएगा. तो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना लिस्ट कैसे लगी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों बात आती है टॉप 5 की, तो टॉप 5 की स्पॉट पे मैंने रखा है स्नबल को. तो यार बेसिकली मैंने बहुत सोच समझ के स्नबल को इस लिस्ट में रखा है क्योंकि स्नबल एक तरह का बाइट पोकेमोन है और वो फेरी टाइप भी है. तो यार एश के मतलब पोकेमोन के लिस्ट में एक फेरी टाइप ऐड हो जाएगा, हो जाता. सो और अगर वो मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, तुक्का लगा के अगर इवॉल्व भी हो गया ना, तब भी यार उसके पास एक बहुत ही तगड़ा ग्रैम्बुल पोकेमोन बन जाता, मतलब उसको फाइट्स में और इम्प्रूवमेंट मिलती है. और जोटो रीजन में मतलब वो थोड़ा हाईली रैंक्ड हो जाता था जोटो लीग में, और कोई इसका पॉइंट नहीं है. बट स्नबल मेरा फेवरेट भी है, ग्रैम्बुल भी मेरा फेवरेट है, तो इसलिए नंबर 5 पर रखा मैंने. तो दोस्तों बात आती है नंबर 4 की. दोस्तों नंबर 4 पे एक और एक डार्क टाइप पोकेमोन है और ये बेसिकली बहुत ही फेवरेट पोकेमोन है मेरा, सो आई गेस तुम्हारा भी हो सकता है. तो ये है जोटो रीजन का हांडार. तो यार तुम्हें को पता ही यार कुत्ते हांडार एक कुत्ता पोकेमोन, सो यार डार्क टाइप पोकेमोन और अगर विकसित हो जाता ना, सॉरी डार्क और फायर टाइप पोकेमोन ना, कमेंट सेक्शन भर जाएगा ठीक है. सो डार्क और फायर टाइप पोकेमोन हांडार बेस्ट एवर चॉइस है अगर तुम लोग को एक फायर टाइप चाहिए एज वेल एज ए डार्क टाइप चाहिए. और विकसित होने के बाद यानी हांडूम एक बहुत ही तगड़ी चॉइस हो सकती है. सो अगर वो पकड़ता तो मतलब बहुत ही अच्छे 50-50 चांसेस है हर बार जैसे 50-50 चांसेस है उसके जीतने के हारने के, जैसे वो उसके ऊपर ट्रेनिंग करता. तो इसी वजह से मैंने हांडार को नंबर 4 का स्पॉट दिया हुआ है. सो यार नंबर 3 के स्पॉट पे मैंने एक आइस टाइप पोकेमोन को रखा है, यानी स्वाइनअप को रखा है यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एश के मतलब ऐसे टीम में आइस टाइप थोड़े बड़े यार. अब तक मतलब जितना मेरे को याद है एश के टीम में बस एक ही मतलब एश ने अब तक एक ही आइस टाइप पकड़ा है यार, ग्लेई. तो मतलब उसने ये पकड़ा स्नोरन पकड़ा था, फिर वो ग्लेई में विकसित हो गया. सो अगर एश ने कोई अलग आइस टाइप पकड़ा है और जो मैंने मतलब बोला नहीं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना. और मैंने इसलिए स्वाइनअप को रखा क्योंकि स्वाइनअप एक बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है, सही कहूँ यार, गेम्स में भी हो या फिर अगर एनीमे भी देखा जाए बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव पोकेमोन है और डिफेंसिव भी है. और अगर वो विकसित हो जाता है पाइलोस्वाइन में तब भी बहुत मज़ा आता है. और मोमोस्वाइन की तो बात ही अलग है, बट वो कभी विकसित नहीं होगा अगर ऐश के पास होगा तो. मतलब अगर तुम लोग देखोगे यार बेसिकली मतलब रूटीन ही देखो ना यार ऐश का, मतलब ज़्यादा पोकेमोन मतलब ऐसे थर्ड इवोल्यूशन तक पहुँच नहीं पाते. सो इसलिए मैंने स्वाइनअप को रखा क्योंकि ऐश की टीम में मतलब ऐश के कलेक्शन जो भी है ऐश के पास एक आइस टाइप तो होना बनता है, तो इसलिए स्वाइनअप को नंबर 2 का स्पॉट मैंने दिया है. तो यार नंबर 2 के स्पॉट के बारे में आते हैं अब. तो नंबर 2 पे मैंने एक ऐसा क्यूट सा पोकेमोन रखा है टेडी बेयर जैसा, और जब वो विकसित होता है तब वो एकदम भयंकर सा पोकेमोन बन जाता है, तो तुम लोगों को पता ही है वो है हमारा टेडी बेयर का और सॉरी. तो दोस्तों मैंने नॉर्मल टाइप इसलिए रखा क्योंकि ऐश के पास ओनली नॉर्मल टाइप पोकेमोन से बहुत कम है, यानी उसके बाद नॉर्मल साइन ऐसे पोकेमोन है बट ओनली नॉर्मल टाइप बहुत ही कम है, तो लैक्स वगैरह पकड़े. सो इसलिए मैंने टेडी अर्सा को रखा ताकि मतलब ऐसे क्यूट सा पोकेमोन होना भी बनता है यार ऐश के पास, तो ऐसे सब खतरनाक रखूँगा तो भाई दवाई मच जाएगी. सो इसलिए नंबर 2 का स्पॉट टेडी अर्सा रखा है और उसकी वजह ये है नॉर्मल टाइप है और मेरा फेवरेट भी है, इसलिए मैंने टेडी अर्सा को नंबर 2 का स्पॉट दिया हुआ है.
सो फाइनली नंबर वन के स्पॉट पे आते हैं हम लोग यार नंबर वन के स्पॉट पे, और कोई भी पोकेमोन ना हो के आता है लार्वेटर दोस्त यार, क्योंकि मेरे को इस पोकेमोन को नंबर लिस्ट में रखना ही है क्योंकि उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास, क्योंकि ऐश के पास लार्वेटर को मतलब पकड़ने का चांस था, वो पकड़ा नहीं उसको, वो बात अलग है। और अगर वो गलती से भी ट्रैनेटर में इवॉल्व हो जाता तो वो उससे मतलब कुछ और ही लेवल तक हो जाता, यानी उसके पास एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन हो जाता यार, मतलब गुडरा से भी पहले सूडो लेजेंडरी उसके पास ट्रैनेटर होता, यानी एक रॉक टाइप पोकेमोन, खतरनाक भाई। मतलब ऐश कतई जोटो रीजन मतलब जोटो लेके एकदम तबाह कर डालता यार, एकदम तबाह। गैरी को तो भाई पहले ही अटेम्प्ट में मतलब पहले अटेम्प्ट में हराया बट बहुत जल्दी हरा देता था, ये मेरी थॉट है। तो यार इसलिए लार्वेटर को, यानी उसके पास चांस था उसने पकड़ा नहीं, बट फिर भी उसे उसके पास लार्वेटर होना चाहिए था, सो इसी वजह से लार्वेटर को नंबर वन का स्पॉट दिया हूँ। तो होप सो गाइस तुम लोग आज के वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, और प्लीज बेल नोटिफिकेशन के बाजू में सॉरी सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर क्लिक करते समय ऑल के बटन पर क्लिक करना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और कम्युनिटी पोस्ट तुम लोगों को पता चले। सो गाइस अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 150 लाइक्स का टारगेट एम है वो कंप्लीट करो, फिर मैं ये सीरीज़ आगे बढ़ाऊँगा और इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करूँगा कैरलॉस तक, ठीक है कैरलॉस तक, क्योंकि मैं अलोला नहीं लेने वाला हूँ तो कैरलॉस तक मैं ज़रूर कंप्लीट करूँगा इस सीरीज़ को। सो होप से तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और थैंक्स फॉर 15K सब्स, और ऐसे ही हमें आगे बढ़ना है। तो लेट्स गो, मिलता तुम लोगों को एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।